पस्तालवीं कहानी स्तिफनुस ते फिलिपुस। पहले मसीह अगुए दे विच स्तिफनुस नां दा एक माणू हा। सारे लोग उहदा आदर करदे हे। पवित्र आत्मा ने उसी बड़ी सामर्थ ते बुद्धि दित्ती ही। स्तिफनुस ने बड़े चमत्कार किते हे। जिसले उसने यीशु उपर भरोसा करने दे बारे च उनेंगी शिक्षा दित्ती ते बड़े सारे लोकें उहदे उपर विश्वास किया। एक दिन स्तिफनुस यीशु दे बारे च शिक्षा दिया दा हा ते किस ऐसे यहूदी आए जिन्हें यीशु उपर विश्वास नहीं किया हा ते उहदे कन्ने बहस करना शुरू की। वह बड़ा गुस्सा होइए इस करी वह धार्मिक अगुए दे कोल गए ते उहदे बारे च झूठ बोलिया। उन्हें आख्या असें स्तिफनुस गी मूसा ते परमेश्वर दे बारे च बुरी गल्लां करदे सुनिया। इस करी धार्मिक अगुए ने स्तिफनुस गी गिरफ्तार करी लिता ते उसी महाजाजक ते यहूदियों दे दुए अगुए दे सामने लेइए आए ते होर भी झूठे गवाह आए ते उन्हें स्तिफनुस दे बारे च झूठ बोलिया। महाजाजक ने स्तिफनुस गी पुछया कि ए लोग तेरे बारे च सच आखा दे ने। स्तिफनुस ने महाजाजक की जवाब देने आस्ते बड़ी सारे गल्लें गी बोलना शुरू करी दिता। उसने आख्या कि अब्राहम दे समा कोला यीशु दे समा तकर परमेश्वर ने इज़राइल दे लोकें आस्ते बड़े सारे अनोखे काम किते हैं, लेकिन लोकें मेसा परमेश्वर दा हुक्म नहीं मन्या हा। स्तिफनुस ने आख्या तुस लोग परमेश्वर दे खिलाफ ढीठ ते बलबा करने आले हो। तुसें मेसा पवित्र आत्मा की अस्वीकार किया जियां के साढ़े पूर्वजे ने मेसा पवित्र आत्मा की अस्वीकार किया हा ते मेसा उन्दे भविष्यवक्ताएं गी मारी दिता हा। लेकिन जे उन्हें किया हा उहदे तुलने च तुसें होर भी बुरा किया है। तुसें मसीह गी मारी दिता। जिसले उन्हें धार्मिक अगुए ने सुनिया ते वह इन्ना गुस्सा होइए उन्हें अपने कन्ने गी बंद करी दिता ते जोरे कर लाए। वह स्तिफनुस गी घसीटिए शहरे दे बाहर लेइए ते उसी मारी देने आस्ते उसी पत्थर मारे। जिसले स्तिफनुस मरा दहा वह जोरे बोलिया ए यीशु मेरी आत्मा की ग्रहण कर। उस वेले वह अपने गोडे भार करिए ते पी बोलिया ए प्रभु ए पाप इंदे उपर नहीं ला। उस वेले मरिया। उस दिन जरूशलेम च रोने आले बड़े सारे लोकें ने यीशु दी शिक्षा उपर चलने आला ते सताना शुरू होइया। इस करी विश्वासी लोग दुई जगह भी नस्सी गए। लेकिन इदे बाद भी जिथे भी वह गए उन्हें यीशु दे बारे च प्रचार किया। फिलिपुस नां दा यीशु दा एक विश्वासी हा। जियां कि बाकी बड़े सारे विश्वासियों किया हा वह भी जरूशलेम च नसीआ। वह सामरिया के इलाके च गया ठी। उत्थे उसने लोकें च यीशु दे बारे च प्रचार किया। बड़े सारे लोकें ने उहदे उपर विश्वास किया ते उद्धार पाया। एक दिन फिलिपुस दे कोल परमेश्वर की तरफा एक सुरगदूत आया ते उसी जंगल च जाने आस्ते ते एक रस्ते उपर चलने आख्या। फिलिपुस उत्थे गया ठी। जिसले वह उस रस्ते उपर चला दहा ते उसने एक माणू गी अपने रथ च जांदे दिखया। ए माणू कूश देश दा एक खास अधिकारी हा। पवित्र आत्मा ने फिलिपुस गी आख्या कि जाइए उस माणू कन्ने कन्ने चल। इस करी फिलिपुस रथ दे कोल गया। उसने सुनिया कि वह कुशी परमेश्वर दे बचन गी पढ़ा दहा जेका जशाया भविष्यवक्ता ने लिखा हा उसी पढ़ा दहा। वह पढ़ा दहा वह उसी बद कीती जाने आले भेड आले लेखे लेइए ते जियां एक भिड्डू शांत होंदा है उसने भी एक शब्द नहीं आख्या। उन्हें उहदे कन्ने बुरा बर्ताव किया ते उहदा आदर नहीं किया। उन्हें उहदा प्राण ले लिता। फिलिपुस ने उस कुशी गी पुछया जे तू पढ़ा ना कि तू उसी समझना भी है। उस कुशी ने जवाब दिता नहीं जिस वेले तकर कोई मिकी नहीं समझाग उस वेले तकर आऊं इसी नहीं समझी सकना। कृपा करिए मेरे कोल आइए मिगी समझा ते जशाया ए अपने बारे च लिखा दा है जा कुसा होर दे बारे च। फिलिपुस रथ उपर चढ़िए बेईया। उस वेले चेले उसने उस कुशी माणू गी उह सुनाया जेका जशाया ने यीशु दे बारे च लिखा हा। फिलिपुस ने परमेश्वर दे बचन दे बड़े सारे दुए हिस्सें की भी चर्चा की। इस तरह कन्ने उसने उस माणू गी यीशु दे बारे च
ਸ਼ੁਭ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ। ਫਿਲਿਪੁਸ ਤੇ ਉਹ ਕੁਸ਼ੀ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਸ ਕੁਸ਼ੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੇਖ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਉਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰਥੀ ਕੋਲਾ ਰੱਥ ਗਈ ਰੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚਲੀਏ। ਤੇ ਫਿਲਿਪੁਸ ਨੇ ਉਸ ਕੁਸ਼ੀ ਗੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਚਾਨਕ ਗਏ ਫਿਲਿਪੁਸ ਗੀ ਚੁੱਕੀਏ ਕਿਸੇ ਦੂਈ ਜਗ੍ਹਾ ਗੀ ਲਈਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਲਿਪੁਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਗੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਗੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਗੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ।